स्क्रूटनी या चैलेंज करने से मार्क बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, तो आइए आपको यहाँ पर हम प्रूफ के साथ बताएंगे कि स्क्रूटनी करने से मार्क बढ़ता है या नहीं मार्क बढ़ता है और मैक्सिमम कितना मार्क तक बढ़ा था। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट मौजूद है जो मेरे पास 12th में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष स्क्रूटनी या चैलेंज के लिए आवेदन किया था और इसका कितना मार्क बढ़ा था। तो यहाँ पर हम आपको मिलवाएंगे ऐसे लड़के से जिनको 27 मार्क तक बढ़ा था। तो आओ अविनाश बताओ कि जी सर, मैं अगले साल स्क्रूटनी का फॉर्म भरा था जिसमें कि मुझे संस्कृत में 14 मार्क दिया था, जिससे मुझे देखकर शॉर्ट लगने लगा और बाद में स्क्रूटनी का रिजल्ट आया तो देखो तो 27 मार्क बढ़ा। तो देखिए ये है अविनाश, इनको संस्कृत में 14 मार्क ही दिया गया था, इन्होंने चैलेंज किया तो इनका 27 मार्क बढ़ा। और हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है जिन्होंने भी स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था, इनका भी मार्क बढ़ा था। तो इनसे भी जानिए कि इन्होंने किस सब्जेक्ट के लिए आवेदन किया था और इसका कितना मार्क बढ़ा था। तो बताओ प्रिंस, तुमने किस सब्जेक्ट के लिए आवेदन किया था और तुम्हारा कितना मार्क बढ़ा था? मैंने दो विषयों में चैलेंज किया था, तो उसमें एक संस्कृत में और एक मैथ में, तो मेरा मैथ में 2 मार्क्स बढ़ा था और संस्कृत में 5 मार्क्स बढ़ा था और ज़्यादा नहीं बढ़ा था। तो देखिए ये जो है प्रिंस, इनका जो है मैथमेटिक्स में 2 मार्क बढ़ा था और संस्कृत में 5 मार्क बढ़ा था। तो आप लोग जान चुके हैं कि स्क्रूटनी या चैलेंज करने से मार्क जो है बढ़ता ही है, घटता नहीं है। हालांकि इंस्ट्रक्शन में स्पष्ट रहता है कि मार्क बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो घटते हुए तो हमने नहीं देखा है, जो भी मेरे पास 12th में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनसे हमने पूछने का प्रयास किया जिन्होंने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था, तो सब ने यही बताया कि 2 या 4 मार्क बढ़ ही जाते हैं, घटते नहीं है। और यहाँ पर हमने आपको स्टूडेंट से भी मिलवाया कि मैक्सिमम इस स्टूडेंट का 27 मार्क तक बढ़ा था, इसलिए इनको हम लेकर के आए इस वीडियो में ताकि आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो बिहार बोर्ड से जुड़ी तमाम जानकारी और 11th 12th का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलेगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।